नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हो आप लोग। तो पहली क्लिप में आपने देखा होगा मैंने मैगी बनाई थी। मैं पता है खाना खराब कर रही हूँ आजकल, मुझे नहीं पता। एक मैंने सांभर बनाया, सांभर ढंग से नहीं बना, ठीक है। मैगी बनाई, मेरे को ऐसा लगा उसकी प्याज जल गई। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मेरा खाना खराब हो रहा है। मेरा खाना सालों में कभी खराब नहीं होता, चाहे मैं कितनी जल्दी बना लूँ, कुछ बना लूँ। पर अभी रिसेंटली मेरा खाना ना इतना खराब हो रहा है कि पूछे मत। तो सारा काम निपटा के मैं लेट गई थी यहाँ पे। हाउस हेल्पर जो है अभी तक नहीं मिली है, तो सारा काम जो है वो मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि राजा ऑफिस चले जाते हैं और घर में ऐसा कोई है नहीं जो आपको काम कर पाए। ये वाले जो कपड़े हैं, ये मुझे लग रहा था एक बार इन्हें ईजी वॉश कर देती हूँ, फिर मुझे अब लग रहा है कि पता नहीं यार मैं कब करूंगी कब नहीं करूंगी। पर ये इस तरह से फैला ना रहे, तो इसके जो थैले है ना वो रखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये सब चीजें जो है मैं तय करके थैलों में डाल के एक जगह पे रख देती हूँ, जैसे मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मैं जो काम है ये जो इजी वॉश करने वाला है वो करती हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए अभी मैंने 20 मिनट के अंदर अंदर ये देखिए मैंने राजा की जो टी शर्ट्स हैं वो धो दी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो कपड़े पता है बहुत फ्रीक्वेंटली धुल नहीं रहे थे, और ये मुझसे पूछते हैं बार बार यार टी शर्ट का है, टी शर्ट का है। तो एक्चुअली मैं राजा मुझसे परेशान हो गए, वैसे मुझसे कभी परेशान नहीं होते, पर एक्चुअली मैं हो गए थे कि बोलते थे मेरे इतने सारे कपड़े हैं कहाँ हैं कहाँ हैं कहाँ हैं। तो फिर मैंने सारी टी शर्ट छानी है, अभी बहुत सारी टी शर्ट रखी है, आप मान के चलिए टोटल 10 टी शर्ट और होंगी जो मुझे धोनी है। पर ये वाला तार जो है भर गया है और छत पे जाने के मोड में नहीं हूँ मैं कि जाके सुखाऊँ अभी जाके कपड़े। तो अभी मैंने इतनी धो दी है कि इनको ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो इन्हें एक हफ्ते चल जाएगी। मैं और बीच में धोती रहूँगी, लाइक मैं कल फिर से धो दूँगी। तो ये वाली मैंने धो दी है कि एक एक दिन में इनके ऑफिस में ये यूज़ हो जाएंगी। तो ये वाली टी शर्ट मैंने अभी 20 मिनट के अंदर अंदर धोई है। तो टी शर्ट धुलने वाला काम मैंने कर दिया है। यहाँ पे गर्मी जो है वो पड़ रही है, मतलब ज़्यादा ठंड नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, पर ठंड भी नहीं है जैसे ठंड होनी चाहिए थी। जैसे बाहर अगर मैं कपड़े धोती हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, जैसे जब ठंड होती है तो पानी ठंडा हो जाता है, तो वैसी वाली ठंड नहीं है। और मैंने कल ही रात को ये नेल पेंट लगाई थी, ठीक है, और यहाँ पे भी लगाई थी। अभी राइट हैंड है ना, तो मैं अभी एक बर्तन भी धो के आई, फिर मैं कपड़े भी धो के आई। तो कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ें जो हैं गुस्सा होने वाली हैं या किसी को भी इस बारे में चीज़ें बोलने की ज़रूरत है कि आपके नेल पेंट बार बार, आप नेल पेंट मत लगाया करो। मेरे पास इन शॉर्ट एक आता है, तो क्या है मेरे पास अभी हाउस हेल्पर नहीं है, तो जितना भी जो भी काम होता है वो खुद से करना पड़ता है, चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, ठीक है। तो बर्तन, झाड़ू, पोछा, ये सारा जो काम है ये अभी मैं कर रही हूँ। कभी जैसे राजा हैं या राजा रात या राजा दिन में लेट गए, भाई बहुत अलग रहते हैं, तो राजा दिन में जैसे लेट गए हैं या कुछ है तो ये बर्तन बर्तन मांज के चले जाते हैं, पर झाड़ू पोछा नहीं करते हैं। पर डेली झाड़ू निकलनी ज़रूरी है, पोछा बेशक आप ऑल्टरनेट कर लो, पर डेली की डेली जो है झाड़ू होनी ही है, क्योंकि उससे एक कहा जाता है कि दरिद्रता कहते हैं ना, दरिद्रता निकलती है। तो हम लोगों की मतलब मेरी मम्मी के यहाँ तो शाम को भी झाड़ू लगती थी, तो सुबह जैसे हाउस हेल्पर करके चली जाती थी तो शाम को मैंने लगा ली, दीपाने लगा ली या मम्मी ने लगा ली। पर मम्मी जब हम लोग रहते थे तो मम्मी से नहीं करवाते थे, कि मम्मी जैसे खाना बनाना शुरू कर देती थी 4-5 बजे हम लोग के यहाँ पे डिनर की तैयारी शुरू हो जाती थी, और पापा जो हैं वो शाम को आते थे 6:30 बजे, मैं चाय बनाती थी, मुझे याद है, ठीक है। तो मैं चाय बनाती थी और पापा को चाय देते थे, हम लोग पूरी फैमिली बैठ के चाय पीती थी, और उसके बाद फिर 8:30 बजे तक खाना हो जाता था, फिर हम लोग घूमते थे। और जिस टाइम मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी पीजी की तरह, मतलब पीजी इसी घर में आई थी मैं, तो जब मैं यहाँ पे पीजी आई थी ना तो मैं वो शाम वाला रूटीन बहुत मिस करती थी, क्योंकि जैसे ही टाइम होता था ना मम्मी बोलती थी पापा आने वाले चाय बना लो, तो मैं चाय चढ़ाती थी, मेरे को याद है बहुत, और मम्मी खाने की तैयारी, मतलब हम लोग के यहाँ सब कुछ टाइम टू टाइम होता था, सुबह का भी खाना टाइम पे होता था, ठीक है। फिर हम लोग स्कूल चले जाते थे, फिर मम्मी ठंड में मटर का पुलाव बना के रखती थी, और वो लाल वाली मोटी मिर्च आती है ना,
उसके साथ हम लोग खाते थे, वो भी छत पे बैठ के खाते थे, मतलब वो मजा कुछ और था। छत पे बैठ के खाते थे ठीक है, फिर वहीं पे बैठ के हम लोग पढ़ते रहते थे। संडे को तो पूरा दिन हम लोग छत ही पे रहते थे ठीक है, छत पे, और टंकी से पानी निकाल के नहा भी लेते थे। तो कुछ चीज़ें थी जो मैं काफ़ी मिस करती हूँ यहाँ पे। एक्चुअली में जैसे मेरे इन लॉज भी रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि हाँ यार घर में कोई है तो मज़ा आता है, पर अभी फ़िलहाल ऐसा है कि मैं पूरे पूरे दिन अकेले हो जाती हूँ और जितना काम है मैं करती रहती हूँ, मतलब तो धीरे धीरे निपटाती हूँ। मेरा भी ऐसा ही रहता है कि मैं एक बार में पूरा काम करूँ, पर पूरा काम करके मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ बैग जो आ गया है, बैग दिखाती हूँ, देखिए। तो ये वाला बैग कल ख़त्म हो गए थे तो आज मिला है। ये ट्रॉली बैग है, ये देखिए प्यारा है ना। तो कल हम विंडो शॉपिंग करके आए थे ना, तो वहाँ पे आप 4000 से ऊपर की शॉपिंग करेंगे तो आपको ये बैग मिलेगा। Not 5000 ठीक है, तो हम लोग की 7000 के अराउंड की हो गई थी, बट हम लोग को बैग 5000 की 4000 बोल रही है। कहाँ लेके जा रहा है ये बता? पचमढ़ी। हाय हट, मेरा बिल्कुल मन नहीं है पचमढ़ी जाने का। कहाँ जाना है? बांधवगढ़। नहीं। कहाँ ना किसी दिन? नहीं। पेंच? नहीं। तदोड़ा? तदोड़ा नहीं, तबोड़ा। तबोड़ा जिम फॉरवर्ड? नहीं। अभी तो कहाँ जाना है? लोनावला। मामा पास? मामा पास नहीं, मामा पास साउथ में। हाँ साउथ में जाना है इनको, अभी इतनी गर्मी में, और थोड़ी इतनी ठंड में, वहाँ गर्मी पड़ी, वहाँ गर्मी है, गर्मी में कौन जाएगा ठंड छोड़ के? हमारा सबसे अच्छा फेवरेट सीजन चल रहा अभी है। मतलब उन्हें 3 साल हो जाएंगे वहाँ पे, तो मैं अभी मम्मी से मिली थी 2047 में, 2019 में, 2019 में। तो एक और अच्छी खबर, एक अच्छी खबर सुनाती हूँ मैं कि राजा का जो अकाउंट होल्ड पे था उसको लेके एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत 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 अच्छी खबर है। तो कॉप का फोन, पुलिस वाले भैया का फोन आया था, पुलिस वाले भैया पुलिस वाले भैया का फोन, मतलब पुलिस वाले भैया का फोन आया था। तो उन्हें राजा को क्या बोला है राजा, बताइए। नहीं ये बोला है वो वैसे तो इंक्वायरी करने के लिए उन्होंने कॉल किया था, उन्हें फोटो भी दी थी कि वो फिर से तो नहीं आया वो कस्टमर। हाँ, हाँ, जिसने फ्रॉड किया था। हाँ, और जिसके कारण हम लोग फंस गए इतने सारे लोग। हाँ, मैंने उनसे पूछा बताइए कब तक अपना डिसीजन फाइनल करा रहे हो आप, सबके अकाउंट ओपन करा रहे हो। हाँ, मैंने ये नहीं पूछा कि मेरा बस कि सबके कब तक होंगे। हाँ, तो उन्होंने बोला है कि दिसंबर के एंड वीक तक हो जाएगा। हाँ, कम से कम अभी इतना तो पता दिलासा दे दिया उन्होंने कि दिसंबर की एंडिंग तक, नेक्स्ट मंथ हम लोग की पार्टी करेंगे। Yeah! मैं राजा के सारे पैसे उड़ा दूंगी। तो मैं इसलिए खड़ा हूँ इनके बैक साइड में क्योंकि मैं चड्डे में हूँ, चड्डा हूँ, मैं चड्डे में दिखाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हाँ। क्योंकि मेरा चड्डा फटा है। चल छुट्टा, गॉड प्रॉमिस, पता है भगवान जी का। तो क्यों हूँ मैं पीछे? क्योंकि तुम्हें शर्म आ रही है चड्डे। मैं चड्डा दिखाना नहीं चाहता हूँ। हाँ ये चड्डा नहीं दिखाना चाहते क्योंकि मेरा चड्डा पहने भव्या से अपना ही पहने और नहीं फटा, कोई चड्डा भी छेद भी नहीं है, अच्छा खासा नया चड्डा है। तुम जाओ, पता है बहुत भारी हो, बहुत भारी। हाँ हिप्पो बोल रहा, हिप्पो बोल रही मतलब भारी। हाँ बहुत ऐसे भयानक वाले भारी, तुम नीचे ही रहा करो ऐसे। हाँ अब ठीक है, ऐसे बहुत भयानक वाले भारी है ये। जाने की दो बर्तन ये। हाँ हम दो मुए इंसान, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। देखिए अपने ही पहने हैं, ये देखिए पीछे देखिए, पीछे देखिए, पीछे देखिए, दिख गए। आलू गोभी मटर खाओगे? दूध रखो सबसे पहले। आलू गोभी मटर खाओगे? जो सब्जी काटती है फिर खाना बनाती है, बहुत बोरिंग काम है, मन नहीं करता।
डिनर हो गया है और मैंने रोटी बना ली थी सब्जी के साथ और अभी मैं थोड़ा सा फेस वैक्स करने आई हूँ, और फेस वैक्स भी नहीं करती मैं, अपर लिप्स और थोड़ा बहुत यहाँ से निकालती हूँ और यहाँ से, तो एज सच मैं कभी कभी रेजर यूज़ कर लेती हूँ जो कि 2-3 महीने में एक बार होता है। फेस जो है वो मेल्ट हो गया, ज़्यादा नहीं लिया है मैंने क्योंकि मुझे थोड़े से एरिया के लिए ही चाहिए था, और गर्म बहुत है ये, धुआं उठ रहा है। हेयर मैंने रिमूव कर लिए, मैं आपको थोड़ी थोड़ी लाल लाल दिख रही होंगी, ठीक है। यहाँ के जो बाल हैं वो मैं प्लकर से करती हूँ, तो मैं कलवल में करूँगी, इतने बाल है नहीं क्योंकि, और मैं अंडर आई क्रीम लगा रही हूँ, ठीक है। तो आजकल ना मैं कुछ कुछ फॉलो करने लगी हूँ क्योंकि ठंड आ रही है ना, मेरी स्किन वैसी बहुत अच्छे से बिहेव नहीं कर रही थी, इसलिए मैं अंडर आई क्रीम, नाइट क्रीम, तो सब कुछ अभी फॉलो कर रही हूँ कि बस हो कि अच्छी रहे। अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन कर लिया है, ज़्यादा जो है गूगल को घुमाए ले गए हैं। आई मैं इन लोगों के लिए थोड़े से एग बॉईल करूँगी क्योंकि ये एग और रोटी खाएंगे, तो मैंने रोटी एक्स्ट्रा बना के रख दी थी, तो बोज और गूगल का जो आज डाइट है वो है एग एंड रोटी, तो मैं एक रोटी के साथ एक अंडा मैश करूँगी, ठीक है। मतलब कि ये प्रपोर्शन रहता है, अब जैसे दो रोटी खानी है तो दो रोटी के साथ डेढ़ भी कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है, पर ठंड आ रही है ना तो थोड़ा दे भी सकते हो, पर गर्मियों में वहीं आप जो येलो वाला पार्ट है ना वो निकाल दो और जो व्हाइट वाला एक अंडा है वो दो रोटी मिक्स करके दे दो, वो बेस्ट रहता है। बोजो को मैं थोड़ा कम ही दूंगी क्योंकि बोजो जो है वो वेट पुट ऑन कर रहा है थोड़ा सा ना, वो होता है जब आप ये अपर लिप्स की वाली वैक्स करते हैं, बीट वैक्स आती है, तो थोड़ा सा मतलब समझिए बात, मतलब जैसे आप थ्रेडिंग बनवाते तो हल्की हल्की सी सेंसेशन होती है ना, वैसे हल्का हल्का था यहाँ हो रहा है मुझे, और यहाँ पर थोड़ा सा लाल भी है, तो सही हो जाएगा वो। आज मैंने आपको एक अच्छी सी खबर सुनाई, एक और अच्छी खबर सुनाती हूँ आपको। तो आप लोग को याद है पिछले साल 2019 में मेरे घर में एक हाउस हेल्पर काम करती थी जो 2 साल से थी, पर उसके कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए थे, बच्चा था उनका छोटा और टिटनेस हुआ था, मैंने आपको बताया था वो एक्सपायर हो गया था, फिर उन्हें काम छोड़ दिया था। तो उसके बाद जो ये वाली हाउस हेल्पर थी ये मैंने लगाई थी जो अभी काम कर रही थी, और अब एकदम से चली गई है, जो एकदम से चली भी गई है, मैंने उसे दोबारा कॉल नहीं किया था, मतलब इसको जो अभी गई है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास उसका कॉल आया जो मेरे पास 2019 में काम करती थी, और उसने मुझसे बोला कि मैं कल से काम करने आ जाऊंगी, तो मैंने उसे पैसे वैसे की बात करी, मैंने थोड़ा पैसा बढ़ा दिया उसका क्योंकि अब 1 साल भी हो गया, तो मैं उसका पैसा भी बढ़ा दिया और वो कल से आने वाली है। तो मुझे पता इतनी खुशी हो रही थी, पता मैं अभी 3-4 दिन पहले राजा से बात कर रही थी, और मुझे लग रहा था कि शायद मैं कुछ और भी मांगती ना उस टाइम पे तो मुझे मिल जाता। तो मैं ये कह रही थी कि वो जो मेरी हाउस हेल्पर है तो उसका नाम किरण है, तो मैं मेरा जैसे यही कह रही थी कि जो किरण है ना, किरण थी, वो बिना बताए कभी छुट्टी नहीं लेती थी, महीने में एक तो छुट्टी, और जब भी उसको छुट्टी लेनी होती थी तो 10 दिन पहले ही मुझे बता देती थी कि मुझे इस दिन छुट्टी चाहिए। तो वो इतनी पंचुअल थी, इतनी मतलब उसे कुछ भी बोल दो कि वो इतने बजे आ जाए, 9 बजे आ जाए, 8 बजे आ जाए, वो आ जाती थी, ठीक है 4 बजे दोबारा बुला लो वो आ जाती थी। तो याद होगा जितने रूम जब मेरे बने ना ही,
ये वाला रूम बना था और ये जब रूम कंप्लीट होने वाला था तब बेटे के साथ हुआ था उसके, ठीक है। मेरा पीछे वाला रूम बना, मेरी रसोई बनी, ठीक है, मेरा हॉल बना, मेरा मेकअप रूम बना। उस टाइम पे मेरी वही हाउस हेल्पर थी, तो मैं उसे बहुत ज़्यादा मतलब मिस कर रही थी अभी 3-4 दिन पहले। और मैं राजा से बोल रही थी काश वो आ जाती तो मेरे को अच्छा लगता कि वो आ जाती, क्योंकि आपके यहाँ पे कोई, आप मान लीजिए 3 साल ही हो गए थे उसे, कोई आपके यहाँ पे 3 साल से काम कर रहा फिर एकदम से ऐसा कुछ होता चला जाता। मैं उसे बहुत याद कर रही थी अभी 3-4 दिन पहले, तो वो एकदम से फ़ोन आया उसका। मेरे को वो ही लगा कि मैं शायद कुछ भी मांग लेती तो मिल जाता। तो जो चीज़ें ना वो बैक टू बैक थोड़ी सी लग रही है कि हाँ सही हो रही है लाइफ में, चीज़ें जो हैं वो बैक टू बैक ट्रैक पे आ रही है। कि ये दो चीज़ जो एक तो हाउस हेल्पर की थी और जो हाउस हेल्पर मैं चाहती थी, जो मेरी पुरानी हाउस हेल्पर थी, वो आ रही जो कि काम छोड़ चुकी थी, वो दोबारा शुरू कर रही है। तो मतलब और जब मेरे को ज़रूरत है तभी, ठीक है, तो वो मेरे को सबसे अच्छा लगा। उसके बाद फिर वो राजा वाला, आपको पता उसे बहुत सारे पैसे जो है हम लोग के ब्लॉक मीन्स लैक्स में पैसे जो है वो ब्लॉक पड़े हैं। तो फिर वो पुलिस वाले भैया का फ़ोन आया था, तो उनने बताया कि क्या बोलते दिसंबर तक जो केस है वो सॉल्व हो जाएगा, दिसंबर एंडिंग तक जो अकाउंट्स हैं वो सबके खुल जाएंगे। तो एक वो थोड़ा सा कहते ना रिलीफ मिला है, क्योंकि अभी तक तो कुछ नहीं पता था ये कब खुलना है। तो दो चीज़ें हुई है मेरे साथ एक दिन में ना, तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि यार लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होगा लाइफ में। क्योंकि अब मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि लाइफ बहुत अच्छा होगा, कुछ बहुत अच्छा होगा। तो आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा मुझे आज चैन की नींद आएगी। मतलब चीज़ें जो है ना एक दिन के अंदर कुछ हुई, अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ और भी मांग लेती हूँ शायद मिल जाए। वो तो गूगल को मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाती हूँ और पक्का दिखा दूंगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय।